ये हम क्यों बताएंगे कि हमने नौकरी दी, ये तो पूरा देश जान रहा है। नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी, ये तो जनता कह रही है। और अभी जो ये वर्तमान सरकार है, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, चाहे लाख हम लोग को तंग कर दे केंद्र सरकार, लाख लालू जी को परेशान करे, उनके परिवार को, आने वाले 25 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। और हमारा जो सीएम बनेगा वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही बनेगा। नीतीश कुमार जी तो कहते थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने उसको सूत्र निकाला और टेक्निक निकाला और माध्यम बताया, उस आधार पर नौकरी दी गई। पुनः तेजस्वी जी की सरकार आएगी। दिल्ली में जो केंद्र सरकार है कहाँ पे आके अटक गई, 400 की नारा लगाया करते थे, 400 पर 240 पर आके लटक गया। तो आने वाले समय में केंद्र में भी अपना सरकार होगा और 25 में बिहार में अपना सरकार बनेगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पटना के राजद दफ्तर के बाहर, जहां आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप पोस्टरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरा आरजेडी दफ्तर पोस्टरों से पट चुकी है, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का स्थापना दिवस है। आपको बताते चले कि आज ही के दिन 1997 में इस पार्टी का लालू प्रसाद यादव जी ने गठन किया था। जनता दल की एक धड़ा लालू प्रसाद यादव जी के साथ टूटकर अलग हो गई थी और राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था। आपको बताते चले कि चूंकि वो तारीख 5 जुलाई की ही थी जब राष्ट्रीय जनता दल प्रकाश में आई थी, इसीलिए आज राजद कार्यकर्ताओं के अंदर पूरे जोश के साथ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। पूरा आरजेडी दफ्तर दुल्हन की तरह सजाई गई है। आइए हम आपको अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप पेड़ों पे देख पा रहे होंगे कि लाइटें लगाई गई हैं। पूरा आरजेडी दफ्तर बलून के माध्यम से भी सजाया गया है। जैसे ही देर शाम होगी आप देखेंगे कि आरजेडी दफ्तर जगमगाने लगेगी। कहीं ना कहीं ऐसी समझ के साथ पूरा आरजेडी दफ्तर को सजाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, जो आरजेडी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार करती है। तो कहीं ना कहीं राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो आज ये चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है उसको लेकर के सियासी बिगुल फूंका जाए। लालू प्रसाद यादव जी ही आज इस स्थापना दिवस के उद्घाटन करता होंगे। वहीं तेजस्वी यादव जो कि राजद के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो भी आज मौजूद रहेंगे। वहीं राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े नेता आज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ आरजेडी के दफ्तर में। आप देख पा रहे होंगे कि अभी से ही राजद कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर के अंदर आने लगे हैं। आप राजद कार्यकर्ताओं का आना जाना देख सकते हैं। हमारे पीछे भी कुछ राजद के नेता लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आज आपके पार्टी का स्थापना दिवस है, कितना खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं लालू जी की जो कर्म भूमि है छपरा जिला, वहाँ का मैं प्रधान महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का 28वां जो सालगिरह है, स्थापना दिवस है, वो मनाने के लिए हम पटना आए हैं। और आपको हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में गरीबों की, वंचित समाजों की, हमारे पिछड़े लोगों की, उसके अग्रणी नेता जो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी हैं, वो हम लोगों के सच्चे मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, देश के लोकप्रिय हैं। साथ ही साथ जिन्होंने देश को एक प्रकार से जितने पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको एकत्रित कर करके एक जगह बैठाने का कार्य किया, पार्टी बनाने का कार्य किया। उस पार्टी के द्वारा बिहार में सत्ता हासिल हुई और देश स्तर पर सत्ता हासिल हुई, और उसके मेन सूत्रधार हमारे नेता लालू प्रसाद जी रहे। उनके लिए उनका पार्टी का आज स्थापना दिवस है। हम लोग छपरा से आए हैं, हमारे साथ वीरेंद्र शाह मुखिया जी भी मौजूद हैं और तमाम साथीगण लोग हैं। हम लोग काफ़ी, हम लोगों में जोश, खरोश, हर्ष उल्लास है
और साथ में इसी प्रदेश कार्यालय से हम ये प्रण लेके जाना चाहते हैं कि अगला 2025 में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कितना भरोसा है आपको कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे 2025? केवल मुझे भरोसा नहीं, पूरे बिहार की जनता को भरोसा है। आज भी लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार हम ही है, यानी हमारा दल सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले चुनाव में हमारा पार्टी ही सबसे बड़ा दल होगा, हमारी सरकार होगी। लेकिन फिर भी आप लोग बताते हैं कि हमारे द्वारा इतना काम किया गया, 17 महीने में नौकरी दी गई, लेकिन फिर भी आप लोग सरकार से बाहर हो जाते हैं। आज के इस मौके पे नीतीश जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम क्यों बताएंगे कि हमने नौकरी दी, ये तो पूरा देश जान रहा है। नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी, ये तो जनता कह रही है। और अभी जो ये वर्तमान सरकार है, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, सारी सरकार की पोल खुल रही है। हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार है। आने वाला समय हमारा होगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार होगी और बिहार का नाम देश स्तर पर ऊँचा होगा। जेडीयू वाले कहते हैं कि नौकरी तेजस्वी ने कैसे दी, उस समय मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही न थे, उनके नेतृत्व में नौकरी दी। देखिए, राज्य के मुखिया थे, लेकिन इसके पहले भी 17 साल से वो मुखिया रहे हैं, लेकिन आज तक उनके जेब से वो नौकरी निकली नहीं। 17 महीने में हमारे नेता ने किस ट्रिक से, किस टैक्स को इस्तेमाल करते हुए नौकरी निकालने का महान कार्य किया, वो जनता को बताने की आवश्यकता नहीं, जनता जानती है। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस मौके पर, राजद का आज स्थापना दिवस मनाया? सब कुछ बोल ही दिए हैं। और तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी तो कहते थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने उसको सूत्र निकाला और टेक्निक निकाला और माध्यम बताया, उस आधार पर नौकरी दी गई। पुनः तेजस्वी जी की सरकार आएगी और बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं वो रोजगार सम्मिलित होंगे और नौकरी से गौरवान्वित होंगे। क्या कहना चाहिएगा मैम, आज आपके पार्टी का स्थापना दिवस है, इस मौके पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता? नहीं, आज हम लोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पार्टी कार्यालय में, और जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लालू प्रसाद यादव जी करेंगे, जो खुद फाउंडर रहे हैं। तो हम लोग के लिए एक गर्व की बात है कि हम लोग अपने लालू यादव, जो कि आज सबको ही जानता है कि उन्हें कितना परेशान किया गया, कितना तंग किया गया, आज उनको इस हाल में लाया गया बेवजह, क्या जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, फिर भी आज उनके कार्यकर्ता, उनका वर्कर, उनका एक एक नेता उनके साथ आज खड़े हैं। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में चाहे लाख हम लोग को तंग कर दे केंद्र सरकार, लाख लालू जी को परेशान करे, उनके परिवार को, आने वाले 25 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, और हमारा जो सीएम बनेगा वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही बनेंगे। आखिरकार हमेशा लालू प्रसाद यादव जी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए तंग किया जाता है, इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि बैकवर्ड, दलित, पिछड़ों की वो आवाज़ बने हैं। जिन्हें आवाज़ नहीं थी उसे वो आवाज़ दिए। आज ब्लॉक से लेके कचहरी के किसी जगह पर आज सभी लोग, चाहे किसी समाज के, किसी जाति का, चाहे अपर कास्ट के भी अगर जो शोषित लोग हैं उनको भी आवाज़ अगर कोई दिए हैं तो लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। इसलिए उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, लेकिन उन्होंने डरे नहीं। अगर आज वो डर के रहते तो आज शायद कुछ और हुआ होता, आज कितने लोगों को जेल भेजा गया। आज केंद्र सरकार को देख रहे होंगे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, अब तो हेमंत सोरेन आ गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने जितना तंग किया, जितना परेशान किया, उसके बावजूद भी आज दिल्ली में जो केंद्र सरकार है कहाँ पर आके अटक गई। 400 की नारा लगाया करते थे, 400 पर 240 पर आके लटक गया। तो आने वाले समय में केंद्र में भी अपना सरकार होगा और 25 में बिहार में अपना सरकार बनेगा। तेजस्वी 2025 में सीएम बन पाएंगे, आपको कितना भरोसा है? नहीं, हम लोग को पूरी उम्मीद है, जनता हम लोग के साथ है, लोग समझ रहे हैं जिस तरह से 17 महीना में इन्होंने जिस तरह से नौकरी दिलवाए, तो लोगों के मन में है कि अगर तेजस्वी आएंगे तो फिर से बेरोजगार युवाओं को जो बहुत आस है उन्हें नौकरी मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्राइवेटेशन उसी तरह से हो गया, आज हर विभाग में प्राइवेट एजेंसी घुसी हुई है क्योंकि उनके द्वारा लोगों को पैसा पहुंचाया जाता है। तो हमें लगता है कि सभी लड़का हो, लड़की हो, बेरोजगार युवा हो, सबको चाहिए नौकरी। इसलिए हमारे तेजस्वी जी 2025 में ज़रूर आएंगे, महिलाएँ भी उनको अपना साथ जरूर देगी क्योंकि उन्होंने 17 महीना में करके दिखलाया है। मतलब आपका कहना है नौकरी का मुद्दा हिट करेगा और तेजस्वी सरकार में आएंगे उसके बाद? बिल्कुल, नौकरी का भी मुद्दा रहेगा, महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से दिन दहाड़े लूट, खसोट, हत्या,
हो रही है, ये सब का निदान अगर कोई करेंगे तो तेजस्वी यादव ही करेंगे। आज आपके पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिस स्थापना दिवस के मौके पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां जो है स्थापना दिवस है जी। और हम लोग और गरीबों, वंचितों और पिछड़ों में एक उम्मीद और आस रहता है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, और समर्पित रहते हैं। और हम लोग हर रोषोल्लास के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का जो 28वां वर्ष मना रहे हैं। 2025 में सरकार आ जाएगी तेजस्वी जी की, कितना भरोसा है आपको? इसमें कोई शक है का जी? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम पूरे बिहार वासियों को बधाई देना चाहेंगे कि आज हम लोग के पार्टी का स्थापना दिवस है, और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है बिहार और देश में क्योंकि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए सोचती है और उसके लिए लड़ाई लड़ती है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और जन जन के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनके ऊपर आस्था रखते हुए हम लोग पूरे छात्र और युवा मजबूती के साथ 25 में जो है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज इस स्थापना दिवस पे हम लोग प्रण लेते हैं। तो आप साफ तौर पे देख रहे थे कि राजद के नेता और कार्यकर्ता किस जोश में दिख रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा जो 2025 में होगी उसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, हम लोग जरूर जीतेंगे। आगे के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहार टॉप।